Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Amazing यार, आज मुझे वैसे लगा कि तेरी प्लानिंग कभी कभी काम कर जाती होती। कभी कभी नहीं, हमेशा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लड़कियां फूल लेकर इतना खुश क्यों होती हैं। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? वो तो है, इसीलिए उन्होंने फोन नहीं किया। वाओ, he is a real macho man, है ना? मर जाएगा लेकिन कभी किसी लड़की से सॉरी नहीं कहेगा। तुम जोरी से कब कहोगे that you're in love with her? मैं उसको ये कभी भी नहीं कहूंगा। यार मुझे तो पहले दिन से ही ना शायद ब्रो का केस बड़ा वीक लग रहा था। प्लानिंग मेरी थी और क्रेडिट तू ले रहा है, हाँ? तुम्हारी क्या प्लानिंग थी? सारा काम मैंने किया। उसकी हिस्ट्री किसने पता करवाई? सब मैंने। कहा किसने था? मैंने, हाँ? अब ज्यादा क्लेवर बनने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा ब्रेन और प्लानिंग ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। यार प्लानिंग तेरी थी या ब्रिटनी की? मुझे तो इतना पता था शुरू से कि ये शादी नहीं होने वाली। ये शादी नहीं होने वाली, हाँ? अंकल, खैरियत? और बस कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, मैं कहा चलो लाउंज में जाके बैठते हैं। तो फिर बाहर चलते हैं ना, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अब बच्चे जब दिल का मौसम बिगड़ा हो ना तो बाहर कितना भी जीन मौसम हो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये बात अंकल आपने बिल्कुल ठीक की है। मुझे लगता है आप हम सब की वजह से कुछ परेशान है ना। मेरी उम्र पे पहुंचोगे ना खुद ब खुद टेंशन लोगे। बच्चे जब होते हैं वो टेंशन देते हैं लोगों को, वरना क्या टेंशन होनी। चले बंग बाहर। This guy is tough. His days are over, baby. कुछ देर सो लेती। अब मुझे कहाँ नींद आएगी। शॉन जूनी में इंटरेस्टेड है। मालूम है मुझे। तुम कहो तो मैं मुशर्रफ भाई से बात कर लूँ। नहीं, अभी वो किसी भी ऐसी बात के लिए तैयार नहीं है। मुनासिब वक्त देखकर बात करूँगी। मेरे ख्याल में तो यही मुनासिब वक्त है। जितनी जल्दी वो इस कैफियत से बाहर आएंगे उतना ही अच्छा है उनके लिए। बल्कि तुम्हें तो फौरन उनसे बात कर लेनी चाहिए। लेकिन पहले मुझे जूनी से बात कर लेने दो। मुन्नियापा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों जूनी, इसमें क्या बुराई है? आखिर वो यंग है, खूबसूरत है, तुम्हें सिक्योरिटी दे सकता है और सबसे बढ़कर ये कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। ऐसा जैक ने कहा आपसे? ओफो जैक, मुझे भला ऐसा क्यों। एक सेकेंड, क्या जैक भी तुम में इंटरेस्टेड है? जैक भी मुझ में इंटरेस्टेड है? क्या मतलब मुन्नियापा, और कौन इंटरेस्टेड है? मैं शॉन की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं मुन्नियापा, शॉन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। अरे वो तुम में इंटरेस्टेड है। नहीं आप समझ रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये खुद देख ले। क्या है? सुने, मैं यानी शॉन जोनी से कभी शादी नहीं करेगा। अंकल मुशर्रफ मेरी बर्दाश्त से बाहर है और मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो मेरे फादर इन लॉ हों और मैं सारी जिंदगी उनकी शक्ल देखूं और उनके सामने जी जी करता रहूं। जूनी दुनिया की हसीन तरीन लड़की है, ड्रीम गर्ल क्यों ना हो, वो मेरी तरफ से अपने आप को फारिगी समझे। बदतमीज, ये बदतमीज शॉन है।
तुम तो कहते थे कि शॉन को जूनी ना मिली तो वो टूट फूट जाएगा, लेकिन वो इतना बदतमीज निकलेगा मुझे अंदाजा नहीं था। क्या कह रही हो, ऐसा क्या कर दिया उसने? उसने जूनी के बारे में इतने बुरे रिमार्क्स दिए और मुशर्रफ भाई के बारे में इतनी गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो मैं सुनकर आ रही हूँ। कहाँ से सुन के आ रही हो? लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग, शॉन की टॉक शॉक। टॉक शॉक? हाँ, टॉक शॉक, जिसमें शॉन ने जूनी से नफरत और मुशर्रफ भाई के बारे में बुरा भला कहा है। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, शॉन ऐसा नहीं है। हाँ तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं। अरे बात तो सुनो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे देखो बात तो सुनो, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात कर लेता हूँ ना। यार तुमने अच्छी खासी मेरी बेइज्जती करवा दी। ये आप क्या कह रहे हैं अमीर भाई? मैं गया था तुम्हारा केस लड़ने, उल्टा मेरा अपना केस कमजोर पड़ गया। मुन्नी मुझसे नाराज हो गई है। मुन्नी आपा आपसे नाराज हो गई है? क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे बताए ना कुछ प्लीज। अब बताने की नहीं है बल्कि सुनाने की है। क्या? तो मुझे ये बताओ, तुम जूनी से शादी नहीं करना चाहते? मैं करना चाहता हूं अमीर भाई। तो फिर वो कौन है? कौन वो? वही जो रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि मैं जूनी से शादी नहीं कर सकता और मुशर्रफ भाई के बारे में भी। वो तो मैं हूं अमीर भाई। अच्छा, वो जो सारी बकवास कर रहा है, वो जो रबिश कह रहा है, वो तुम कह रहे थे? लेकिन आपने कहां सुनी? मैंने नहीं सुना, सब ने सुन लिया है। सब सुन ले उसकी खैर है, लेकिन मुझे डर ही है कि कहीं जोनी ना सुन ले। जोनी ने ही तो सबको सुनाया। नहीं। क्या नहीं? हाँ, हाउ कुड यू डू दिस टू मी डूड? स्पीक अप, आई एम नॉट अ मैजिशियन। व्हाट स्पीक अप? यू हैव ब्रीच्ड द रूल्स यार। हाउ कम? यू सेंट दैट वॉइस रिकॉर्डिंग टू जोनी एंड शी हैज इट। You must be kidding, huh? No, I am not. She has it. But I didn't do that, bro. You did it. You big cheat. Hey, what is this mess all about? देखो ब्रिटनी, this guy is a big cheat. हम दोनों के दरमियान ये rules decide हुए थे कि हम दोनों अपनी अकल और style से जोनी को impress करेंगे और उसमें कोई एक दूसरे को cheat नहीं करेगा यार। लेकिन जो इसने किया ना, वो तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता होगा। इसने मेरी वो voice recording जाके जोनी को दे दी है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मुझे जोनी से शादी नहीं करनी और अंकल मुशर्रफ का मजाक उड़ा रहा हूँ। तुमने ऐसा क्यों कहा था? तब मैंने जोनी को नहीं देखा था और मुझे लगता था कि डैड जबरदस्ती मेरी किसी से शादी कर रहे हैं। Zach, this is disgusting. शॉन, मुझे लगता है कि तू अपनी हार को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए सारा गुस्सा मुझ पे उतार रहा है। चल एक सेकंड के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्डिंग उसके पास गई कैसे? मैं तो दे नहीं सकता, तो पीछे रह कौन गया? सिर्फ तुम। हैंग ऑन, सब समझ आ गई। अब बोल भी दो। मुझे लगता है कि जब मैंने उसको थीसिस वाला फोल्डर दिया ना, इसमें पिक्चर्स थी, वो फाइल भी उसके साथ चली गई होगी। बट आई डिड नॉट मीन इट ब्रो। रिलैक्स गाइस, सॉरी बोल तो दिया। जैक की शख्सियत में ठहराव है, फरमा बरदार है, जिम्मेदार है, भला मानस है, बोलने से पहले तोलता, ऊपर से मेरे बचपन के दोस्त मुबारक का बेटा है। अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो जाती है तो इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता? मुझे नहीं लगता मुशर्रफ भाई। क्यों? मेरे ख्याल में शॉन और जूनी परफेक्ट मैच है। ये कैसे तुम कहती हो? बस मुझे ऐसा लगता है। वो तो मुझे भी लगता था कि मुझे शायद है वो। तुम जूनी से पूछो, जूनी ने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, उसकी राय जरूरी है।
शरफ भाई, ये आप कह रहे हैं? और क्या भी, मैं तो हमेशा इसके हक में हुआ हूँ कि ऐसे जितने भी फैसले होते हैं इसमें लड़की की रजामंदी बहुत जरूरी। मैं तो बल्कि वो जब तुम्हारी बात चल रही थी मैंने अब्बा जी से भी इस सिलसिले में बात की थी। ये अलग बात है कि उन्होंने मेरी बात ज्यादा सीरियसली नहीं। आपने अब्बा जी से बात की थी? बात नहीं सिर्फ की थी, बुजुर्गों ने मुझे एक लगा भी दी थी। हाँ खैर, तुम्हें तुम अगर मुझे उस बंदे से मिलवा देती ना तो मान से क्या पता हम कोई गेम डालते, लेकिन खैर मिट्टी पाओ, जो होया सो होया, रहने दो रहने दो। तुम जूनी से पूछो उसकी क्या राय। मैंने ली थी उसकी राय। तो क्या कहती? वो कह रही थी जैसा आप लोग मुनासिब समझे। मुझे पता था कि मेरा हर फैसला जो है वो मेरी बेटी के लिए मंजूर है। अब ये जैक के साथ शादी में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मुशर्रफ भाई, मैं ये नहीं कहती कि जैक में कोई बुराई है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसमें वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो एक लड़के में होनी चाहिए। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन शोन हमारी जूनी के लिए बेहतर रहेगा। मेरा दिल कहता है मुशर्रफ भाई, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने। मुन्नी बीबी, ये फिल्मी बातें छोड़ो यार, जरा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। आप ठीक सोच रहे हैं मुशर्रफ भैया, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि क्या इस सिलसिले में जैक ने खुद आपसे बात की है? अभी इस तरह की बात वो मुझसे कर सकता है, लेकिन जो बात उसकी आंखों पे थी, जो बात वो अपने लबों पर नहीं ला सकता था, वो मैंने पूछ ली थी। आफ्टर ऑल तजर्बा भी कोई चीज होती है। है आपका तजुर्बा, मैं मानती हूँ सब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कम से कम हम जो करने जा रहे हैं हमें तो क्लियर होना चाहिए वो सब हम मुनासिब कर रहे हैं या नहीं। हमारी जूनी के लिए कौन बेहतर रहेगा, कौन हमारी जूनी को खुश रख सकेगा, जैक या शोन? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मुशर्रफ भैया, तो फिर क्या प्लान? हाँ प्लान, फिर तू जूनी को कल क्या गिफ्ट दे रहा है? क्या मतलब? कल जूनी का थीसिस डिस्प्ले है ना, तुझे नहीं बुलाया? तुझे बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, मुन्नी आपा कह रही थी कि तुम जरूर आओ। मुन्नी आपा ने तो मुझे भी कहा है यार। तो फिर चल रहा है? हाँ इकट्ठे चलते हैं। सॉरी ब्रो, टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, मैं तो अकेला जाऊंगा अपने स्टाइल में, यू नो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर तोहफा याद नहीं है तो ले ले, फिर तू बाद में कहेगा मेरे साथ चीटिंग की। वैसे तू कल क्या पहन रहा है? तूने बताया नहीं तू कल क्या पहन रहा है? What the hell? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे तू मुझे जूता मार रहा है? मेरे सर में दर्द हो रही है जैक। ये बात तो तू जूता मारे बगैर भी बता सकता था। हाँ बता सकता था, मगर तुझे जूता खा के ही समझ आती है। वैसे फूल तो तू उसको दे ही देगा, है ना? क्या हुआ इसे? यार वो बगैरत गाड़ी वाले इसको टक्कर मार गए। गाड़ी को रोको, गाड़ी को रोको, जल्दी जल्दी। गाड़ी नहीं आई कोई? गाड़ी वाला टक्कर मार गया, कोई गाड़ी रोक नहीं रहा, आप इसे हॉस्पिटल ले जाएं। प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के आने तक तो ये मर जाएगा। इसको लेके चलते हैं। बहुत अच्छा लगा ना, मजा आया।
मुझे लग रहा है इसकी सांस अब नहीं चल रही। यहाँ से करीब तरीन हॉस्पिटल कौन सा यार? इधर ही नजदीक ही, थोड़ी दूर जाके। इसको मैं पहुँचा दूंगा। अबे यार बस वाले, कम ऑन। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा थीसिस। थैंक यू सो मच। क्या बात। हेलो जैक, फाइनली। अरे शॉन नहीं आया? वो शॉन मुनिया को उसने कहा था तुम जाओ मैं खुद ही आ जाऊंगा, अभी तक आया नहीं। नहीं नहीं रहने दो, आ जाएगा। हाँ चलो ना, मेरा थीसिस तो तुम देख ही चुके हो, बाकी सबके दिखाती हूँ। चले लेट्स गो। सैम तुम क्यों रुकी हुई है? चलो आओ। मुन्नी आपा, बाबा आप लोग भी आए ना। मैं आया। हाँ हाँ सबको दिखाती हूँ, चलो लेट्स गो। लेकिन मेरे लिए चाय। मेरे लिए भी चाय लेकिन जूस के बाद। हैं वैसे अंकल आई मस्ट टेल यू, आपने डांस बहुत अच्छा किया। ओए फिर जब ढोल बजेगा तो पगड़ा से पाएगा, फिर बंदा काबू में नहीं रहता। कहां रहा जाता है फिर काबू में। शॉन ने तो हद ही कर दी, वो फोन तक नहीं उठा रहा। वेरी बैड शॉन। ये कैसा शॉन है जनाब? कूल। आई हेट यू। हु केयर्स। सॉरी जोनी, मैं आ नहीं सका वहाँ पे। नो नो इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। चाय के साथ स्नैक स्नैक भी ले आई। मैं भी जरा फ्रेश हो लूं। शॉन मुझे लगता है तू कहीं से थका हुआ है, तू भी फ्रेश हो ले। फ्रेश का सीन है ये पूरा बड़ा है। सैम बेटे, भाई जूनी ने तो अपनी शादी का फैसला जो है वो हमारे हाथों में छोड़ दिया।
अब बहुत सोच विचार के बाद और मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि उसकी शादी जो है वो जैक से कराई जाए। डिसेंट है, जिम्मेदार है, अकलमंद है, ठहराव है उसकी शख्सियत के अंदर। मेरी राय में वो उसे खुश रखेगा। तुम्हारी क्या राय? सैम, पापा कुछ पूछ रहे हैं? पापा, इसमें मैं क्या कहूँ? आपने फैसला किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। मुझे पता था मेरी बेटी लता है क्रिकेट। Guys, I've got news for you. क्या? They've made up their mind to marry Zuni. Zuni की शादी Zack के साथ. Yes. Yes. Bro, I told you not to mess with me. और तुम्हें ये good news सुनाई किसने? मुझे ये good news बहुत ही sad face के साथ समिया ने सुनाई. Sad face के साथ समिया ने? क्यों? लगता है जैसे वो खुश नहीं है. वो खुश क्यों नहीं है? मैं क्या बताऊं? खुद क्यों नहीं पूछ लेते? मैं क्यों पूछूं? It's none of my business, you know. And bro, come on, क्या हो गया? हमने decide किया था ना कि जो भी हो जाए, हमारा relationship खराब नहीं होगा, है ना? Hi. What a surprise, Dad. ना मेरे बेटा, कैसे हो? देखो, तुमने बात पक्की करके हमें सरप्राइज देने की कोशिश की, लेकिन हम पहुंच कर उल्टा तुम्हें सरप्राइज दे रहे हैं, कैसा? आखिर आप डैड किसके हैं? अच्छा ये बताओ, खुश हो ना? आई एम रियली हैप्पी डैड, जिसे मैंने चाहा वो मुझे मिल गए। अरे है कैसी, मिलवाओ तो सही। बोरे Sam, Sam, my love, my dad is here. Sam, 9:15. It's on. Brittany, can you pass me? Uncle, यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है? 10 मिनट का फासला है। तो फिर चलें, जल्दी करें, शाबाश। क्यों, क्या हुआ? वो शॉन एयरपोर्ट चला गया लंदन जाने के लिए, हमें उसे रोकना होगा। क्या? मैं जूनी और समिया को लेकर आती हूँ। चलें ना अंकल, प्लीज ना। अर्शद, ओए अर्शद, ओए गड्डी बाहर निकालो, सुन रहे हो क्या? नहीं भाई, वो लंदन के लिए फ्लाइट थी 10 बजे। और चली गई 10 बजे लंदन। और जा चुकी है भाई, आप वो लेट आए हैं। ये जो कितने बजे की फ्लाइट थी, 10 बजे की वाली फ्लाइट जा चुकी है? जा चुकी है। चलो भाई, ये तो शॉन का खत है। Let me see. मेरे
मेरा नाम शॉन है और मैं एक ब्रिटिश हूँ। पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, कोई किसी को काम नहीं करने देता, हर तरफ करप्शन है, गरीब लोगों के लिए कोई रोज़गार नहीं और ना ही उनके लिए कोई राइट्स हैं। यहाँ का सिस्टम एक फ्यूडल सिस्टम है, एजुकेशन लॉ रूल अमीरों के लिए और गरीबों के लिए और है। आई मीन टू से हर वो चीज़ जो वेस्ट में अपनाई गई है वो यहाँ नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं पाकिस्तान आने के ख़िलाफ़ था, सबसे बढ़कर अपनी कज़न जूनी से शादी करना जिसे मैंने देखे बगैर ही ना कर दी थी, और फिर कुदरत का करना ऐसा कि दुनिया में जो मुझे लड़की सबसे ज़्यादा पसंद आई वो वही थी, इसे बगैर देखे मैं मना कर चुका था। इन बातों के बावजूद मुझे इस मुल्क और यहाँ पे वक्त गुजारने के साथ जूनी से प्यार हो गया। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो वेस्टर्न सोसाइटी में है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ है वो वहाँ नहीं, और वो है सच्चा प्यार और फैमिली वैल्यूज़। यहाँ कोई ओल्ड होम नहीं, यहाँ आज भी घर का सरबराह बड़ा है और उसी को सब अपने फैसलों में इख्तियार देते हैं। ये वो चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, और वो प्यार जो मुझे इस फैमिली से मिला वो मैं कभी नहीं भुला सकूँगा। ख़ास तौर पर यहाँ का हुस्न जूनी के रूप में मुझे मिला, जिसे मैंने अपने ही हाथ से गवा दिया, और अब ऐसा कि मैं उसकी शादी अटेंड करने के लायक भी नहीं। मैं यहाँ एतराफ़ करता हूँ कि यहाँ आने और जूनी से मिलने के बाद मैं उसे दिल दे बैठा, और वक्त के साथ ये चाहत मोहब्बत में बदल गई। मैं जूनी और अंकल मुशर्रफ़ से माफ़ी मांगता हूँ, मैं शायद वाकई उनके काबिल न था, मगर मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और इस मुल्क और आप सबके साथ बीते लम्हे अपने साथ यादों के तौर पर लिए जा रहा हूँ, जो सारी ज़िंदगी मुझे आप लोगों और इस हसीन मुल्क पाकिस्तान की याद दिलाएगी। काश मैंने वो सब ना किया होता, काश मैंने आते ही अंकल मुश को शादी से इनकार न किया होता, काश मैं इसी मुल्क में पैदा होता, काश मैं वक्त को वापस ला सकता। शादी मुबारक जैक, आप सबका शॉन। शॉन, ब्रो कहाँ जा रहा है? यार मेरी फ्लाइट थी यूके की और मैं इसके क्वार्टर में सोया रह गया हूँ यार। फ्लाइट तो जा चुकी। क्या मतलब? क्योंकि उसे जाना था और तुझे रुकना था। शॉन, ओए, ओए तूने हमने कुछ बताया ही नहीं। क्या बताता अंकल? वो जो तूने खत में लिखा है, लो लाड़ा घर में और शहर में टंडोरा। अंकल एक्चुअली आते साथ मैंने जोनी से शादी से इनकार कर दिया, मेरी दोबारा हिम्मत ही नहीं पड़ी आपसे बात करने की। शाहिद का कांटा निकला तो मुझे लगा कि आप जोनी की शादी जैक से कर देंगे। ना तो ये बता कि जोनी का पियो मैं हूं कि तू? वो तो अंकल आप ही हैं। तो फिर मेरा फैसला होगा जोनी के मामले में, चाहे उसको फैसला मंजूर हो या ना, ये बात की बात। मुशर्रफ भाई, जूनी की वकील मैं हूँ, आप जो भी फैसला करेंगे इसको मंजूर होगा। मंजूर होगा, लो फिर सुनो फैसला। मैंने फैसला किया है कि जूनी बेटी जो है, इसकी शादी जो है वो जैक वलाती चीता जो दंत कर दिखा रहा है उससे नहीं होगी। उसकी शादी शान से होगी। हाँ जी, और इसका ये नहीं मतलब कि जैक की शादी नहीं होगी, जैक की भी शादी होगी, जैक की हमारी नॉटी गर्ल जो है समझिया उससे शादी होगी। तो क्यों कैसा लगा हमारा फैसला पे? मुशर्रफ भाई आपका फैसला तो बहुत अच्छा है। ठीक ही है ना? तो बस ठीक है, इनके जो मापे हैं वालदान, इनको हम यहाँ से अब बताएंगे, फोन करेंगे जल्द अज जल्द, बताएंगे भाई कि ये बात तय हो गई है, क्योंकि अच्छे काम नेक काम के अंदर देर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल यूं ही होगा। और फिर तुसी अपनी बोटियां चुको और वलायत जाओ। नहीं अंकल, मैंने एक फैसला किया है। वो क्या? मुझे इस मुल्क से प्यार हो गया, अब मैं पाकिस्तान में रहूंगा। अच्छा, लेकिन अंकल मैं लंदन जाऊंगा, हम दोनों आते जाते रहेंगे, बल्कि आप लोगों को भी बुला लिया करेंगे। हां, यू आर वलायती चीता, ये तो तुमने करना ही है। बोल मेरे और नसरीन के हक में भी कोई फैसला कर दे। मैं तेरी माला हूँ ना बॉस, मगर करना तो आप ही ने है ना।
चलो ठीक है, तेरा क्वार्टर जो है उसको भी हम बात करते हैं। और दस मुशर्रफ भाई, इसका मतलब है इस घर से तीन तीन डोलियां उठेंगी? तीन नहीं मुन्नी, इस घर से चार डोलियां उठेंगी। चार? अब क्या मतलब? इस घर से आपकी भी डोली उठेगी। वजह ये है कि आपका शोर भी इस घर में मौजूद है, अमीर अली की शक्ल में। कैसा रहा? अंकल आपको एक मशवरा दूं? हाँ? आपको तो मैरिज ऑफिस खोल लेना चाहिए। अच्छा वो क्यों? क्योंकि अंकल आपने खड़े खड़े चार रिश्ते तय करनी है। फिर देखो देखो, हर काम का कोई ना कोई खास वक्त होता है। फसल कटने के बाद शादी ब्याह का टाइम होता है, पैसे भी आ जाते ने, सब कुछ तय हो गया, ठीक हो गया, बस अच्छा है, इसी में बरकत है, इसमें ही नेकी है, इसमें ही अच्छाई। बॉस मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। मैं शादी के बाद नसरीन के साथ लंदन में हनीमून मनाऊंगा। देखे हम चौड़ हो ही जा रहे हैं ना। नहीं बॉस, जैक ब्रो से मेरी बात हो गई है, वो सारा खर्चा उठाएंगे। जैक ब्रो एस ब्रो हो जाएगा, मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं रहेगा उसके पास, तेरा खर्चा उठाएगा। चलो बैठो, आ जाओ आ जाओ। हम दोनों ना हनीमून पे लंदन जाएंगे। ब्रोज ने मुझसे वादा किया, वो मुझे लेने आए थे। मैं सही लग रहा? घर चले आ लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। पेड़ों से बरसती शाम लिए, कोयल से सुबह का नाम लिए, ये तेरा देश, ये तेरी जमी, गलियों कूचों की रेल पेल सब छोड़ के ये तू जा जो सके। हवा में उड़ और देख जरा, दिल और धरती को साथ लिए, ओ मुस्कुरा के घर चले आ लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है।